Hello everyone हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं आज का सेशन हमारे लिए बहुत ख़ास होने वाला है तो हम लोग हमारे इस आखिरी छोर के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि आपको सबको पता है कल तो पेपर है ही तो हम लोग इस लास्ट डे पर जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट सी इस क्लास को ऑर्गेनाइज़ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है तसली से आप लोग देखना ठीक है ना जल्दी से आप लोग कनेक्ट होना और मुझे बताना मेरा ऑडियो वीडियो परफेक्ट करेक्ट है क्या आप लोगों को दिखाई सुनाई सब कुछ सही दे रहा है क्या <coughs> फिर हम लोग सेशन को जो है ना आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कुछ नए से पार्ट नए से क्वेश्चन ठीक है सो so, सबसे पहले आपके पास में जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है वो क्या रहेगा <coughs> देखिएगा <coughs> ये जो पार्ट है आपके पास में यहाँ पे हाँ जी सो so, पहला सवाल है कि द फाउंडर ऑफ गुप्ता डेंसिटी वॉज गुप्ता वंश गुप्त वंश के जो संस्थापक थे ना एक्चुअली वो कौन थे इनमें से कुमार गुप्त है चंद्रगुप्त प्रथम है श्री गुप्त है या समुद्र गुप्त है ठीक है ना कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप लोग थोड़ा सा स्पीडली हम लोग जो है ना रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके और हमारे एग्जाम में जो है ना चीज़ें काम आ सके हमें तो गुप्त वंश जो है ना वैसे तो आप लोगों ने सुना है या पढ़ा है ये काफ़ी लंबिया इसके जो है ना आपके संस्थापक वगैरह के बारे में कई सारे नाम आते हैं लेकिन मुद्दा ये आता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन हैं ये करके सवाल आता है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक तो संस्थापक होता है और एक वास्तविक संस्थापक है तो गुप्त वंश के अगर आप लोग संस्थापक की बात पूछ रहे हैं सीधा ही तो तो इसका आंसर आप कह देना श्रीगुप्त कह देना लेकिन गुप्त वंश के अगर आप लोग मुझसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप लोग जवाब दे पाएंगे यहाँ पे श्रीगुप्त का जवाब दे पाएंगे सॉरी समुद्र चंद्रगुप्त प्रथम है ना इसका जवाब दे पाएंगे दो सवाल है यहाँ पे अगर पूछा जाए संस्थापक केवल तो खाली संस्थापक के लिए तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ ही रहा है वो क्या है वो तो आपका श्रीगुप्त है यहाँ पे ठीक है ना और अगर कहा जाए आपका कि वास्तविक संस्थापक कौन सा है आपका यहाँ पे तो वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं आपसे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना आप लोग कह देते यहाँ पे सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ताज वर नॉन एज गुप्तकाल के द्वारा जो जारी किए गए थे चांदी के सिक्के ना वो क्या कहलाते थे ठीक है उनको आप लोग किस नाम से जाना करते थे उनको पन्ना कहते थे दिनार कहते थे एक रूपक कहते थे एक कृषापण कहते, कहते थे तो उनके द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे ना उनको आप लोग कहा करते थे रूपक कहा करते थे और गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा सोने के प्रकार के सिक्के जो चलाए थे ना वो किसने चलाए थे वो चलाए थे समुद्र गुप्त ने चलाए थे ये भी याद कर लेना आप लोग ठीक है ना समुद्र गुप्त ने चलाए थे इसने टोटल छः प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि गुप्त वंश के अंदर ही एक ऐसे ये ऐसा सिक्का चलाया था इन्होंने जिस पे वीणा बजाते हुए कि खुद की फोटो इन्होंने पब्लिश की थी तो वीणा वादक भी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे तो वीणा वादक भी यही थे ठीक है ना ये वीणा वादक थे वीणा वादक थे वीणा बजाते हुए सिक्के जो है ना, ना इन्होंने ही पब्लिश किए थे ये याद रखना आप लोग महाबोधि मंदिर बोधगया में बनाया गया जहाँ क्या हुआ था मतलब उस जगह पे क्या हुआ था किस चीज़ के लिए या किस सिग्निफिकेंस के लिए वो मंदिर आपका इंपॉर्टेंट है थोड़े से सवाल मैं आपको स्पीडली रैप अप करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो कल का पेपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो जल्दी जल्दी हम कई सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना हम तो आप अपना वो कहते हैं ना धैर्य बना के रही रखिएगा ठीक है और हम कई सारे सवाल करेंगे ठीक है ना कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर तो क्या है कि महाबोधि मंदिर ठीक है ना हाँ धीरज यादव बिल्कुल देख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है गौतम बुद्ध रिसीव्ड गौतम बुद्ध ने जो है ना बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनके जीवन में जो बुद्ध पूर्णिमा थी ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उसी दिन इन्होंने गृह त्याग किया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो है ना इनको ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आपको याद रखना है कि इनका महाप्रिनिर्वाण भी हुआ था ठीक है अगला है कि बाबर बाबर ने पंद्रह में किस नदी के किनारे मोहम्मद लोधी को हराया था तो बाबर ने अपने जीवन में चार युद्ध लड़े थे यहाँ तो इन्होंने गग्गर नदी के किनारे हराया था बाबर ने 1526 का युद्ध लड़ा था एक तो ठीक है ना 1526 का जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्यों क्योंकि ये पानीपत का पहला युद्ध माना जाता है ठीक है ना ये पानीपत का पानीपत का पहला युद्ध माना जाता है ये वाला पानीपत का पहला युद्ध माना जाता है और इसमें किसके बीच में हुआ था ये युद्ध तो ये युद्ध हुआ था बाबर प्लस में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ना ये युद्ध हुआ था याद रखना जिसमें से बाबर है ना वो जीत गया था अच्छा बाबर तो जीत गया था ये तो बात ठीक है समझ में आती है हम लोगों को लेकिन बाबर जो है ना ये किसका प्रयोग किया था इसने तो इन्होंने तोपों का प्रयोग किया था ठीक है ना तोपों का प्रयोग किया था इस बात को भी आप याद कर सकते हैं मतलब बाबर ने तोप का प्रयोग किया और इंडिया में पहली बार गोला बारूद या तोपों का प्रयोग जो है ना इसी 1526 के पानीपत के पहले युद्ध के दौरान हुआ था इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है ठीक है ना दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या हमारा कि बाबर जो है ना उसका बाबर चलो ठीक है चला गया पानीपत का दूसरा युद्ध और पक्का याद कर देना पंद्रह में था अकबर और हेमू के बीच में था जिसमें अकबर जीत गया था तीसरा था सत्रह में अहमद शाह अब्दाली के बीच में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जिसमें अहमद साह अब्दाली जीत गया था मराठा जो है इसमें हार गए थे अच्छा शेख निज़ामुद्दीन ओलिया निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे तो शेख निज़ामुद्दीन ओलिया जो है ना ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे समकालीन का मतलब क्या होता है उसी सेम टाइम पीरियड में ये भी थे चिश्ती संप्रदाय को जो है ना ये बहुत माना भी करते थे भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था देखो मैंने अभी ये सवाल पढ़ाया तुम्हें पिछले ही क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन में बाबर ने सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किया था कहने का मतलब तोप का प्रयोग किया था 1526 के पानीपत के पहले युद्ध के दौरान बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दसवें सिख गुरु थे सिखों के दस गुरु हुए हैं उनमें सबसे पहले गुरु जी का नाम गुरु नानक देव जी था उसके बाद गुरु अंगद देव जी आए थे ऐसे करके दसवें गुरु की बात करते हैं आप लोग नौवें और दसवें भी याद कर लेना नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे जिनका औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने की वजह से दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे शीश जो शीश कलम किया था इस करके आज भी वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है और दसवें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो ऑप्शन नंबर फोर फोर्थ है ना इसका वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा और गुरु अर्जुन देव जी के ऊपर भी प्रॉब्लम जैसे क्रिएट की थी इन्हीं मुग़लों ने जैसे पांचवें गुरु थे ये और जहांगीर ने इनको उबलते तेल की कढ़ाई के अंदर डलवा दिया था किस लिए वही इस्लामिक मतलब व्यवस्था को ना अपनाने के चलते शेरशाह सूरी ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था हुमायूं के टाइम पे एक्चुअली ये हुमायूं का तोपची था ऐसा माना जाता है और इसने आक्रमण किया कब आक्रमण किया इसने जब मतलब मौसम जो है ना बारिश वाला था जब तोपों में जंग लग गया था हालांकि उसको पता था कि तोप चला नहीं पाएंगे तो और हिम्मत वाइज या युद्ध की नीतियों के वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेरशाह सूरी था ठीक है ना और इसी इन्हीं के हुमायूं के काल में ही आक्रमण किया था इसने ठीक है अगला है कि लाख बक्स की उपाधि लाख बक्स किसे कहते हैं लाख बक्स कहते हैं जो लाखों का दान करता है लाखों का दान करने वाला इनमें था कुतुबुद्दीन एबक था एक्चुअली ये गुलाम था ये किसका गुलाम था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था याद रखना आप लोग मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये लाख बक्स की उपाधि इसको दी गई थी 1210 के अंदर 1210 में पोलो गेम खेलते हुए पोलो ठीक है ना चार खिलाड़ी होते हैं पोलो में भी एक दो तीन चार वर्ड है ऐसे याद कर देना टोटल चार खिलाड़ी होते हैं पोलो में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के इसका इसकी मौत हो गई थी अच्छा एक ढाई दिन का झोंपड़ा है अजमेर में एक एक्चुअली मस्जिद है वो ठीक है ना एक सरस्वती मंदिर है उसको तुड़वा के और ढाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था इन्होंने तो वो भी कुतुब्दीन ऐबक ने बनवाया एक कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर वो भी इन्हीं की बनाई हुई है हालांकि पूरी तो नहीं करवाई इन्होंने पूरी करवा बाकी आगे काम उस पर इलतुतमिस तो ने करवाया था और उसके बाद में बागे फिरोज शाह तुगलक ने भी एक माला और बनवाया था लेकिन जितनी पहले से डिफाइंड थी उतनी पूरी तो तिलतुतमश ने करवाई दी थी अच्छा कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों है क्योंकि इनके ये एक ना सूफ़ी संत को मानते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस कुतुब बख्तियार काकी उन सूफ़ी गुरु के नाम पे कुतुब मीनार का नाम पड़ा हुआ है तो कई बार बड़ा रिलेट करने वाला क्वेश्चन आता है पेपर में कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार मतलब किस वजह से या तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं यार कुतुबुद्दीन एबक की वजह से होगा नहीं इनके एक सूफ़ी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनकी वजह से ये नाम पड़ा हुआ है और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना इनका गुलाम था फिर ये इल्तुतमिश गुलाम था ठीक है ना इल्तुतमिश इनके बाद में बना था और इल्तुतमिश की बेटी जो थी ना वो थी रजिया थी और रजिया आपको अच्छे से पता होगा एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे क्या उस टाइम पे कोई और हुई ही नहीं थी 1236 से ले और 1240 तक जो है ना ये महिला मुस्लिम शासिका थी बारह से 1240 तक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद करना आपको और क्या याद करना है आपको और आपको ये याद रखना है कि इनको फिर बाद में बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने जो है ना वो कैद कर लिया था और बाद में अल्तुनिया के साथ शादी तो की थी इन्होंने कैथल में आके गुंडों ने इनको डाकुओं ने इनकी हत्या की तो कैथल में मकबरा है ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे तो कैथल के अंदर मकबरा है इनका ठीक है अगला है आपका और मेवात के जंगलों को किसने कटवाया अगर पूछ लिया जाए तो बलबन ने कटवाया था ठीक है ना मेवात के जंगल जो है ना मेवात के जंगल तो मेवात के जंगलों को जो कटवाने वाले थे ना वो बलबन थे ठीक है अगला है गांधी इरवन पैक्ट हुआ था आपका गांधी इरवन पैक्ट 1931 के अंदर हुआ था एक लिस्ट है आपको दे रखी है यहाँ पे ठीक है ना और इन लिस्ट के अंदर आप लोगों को मैच करना है तो कौन सा सही आंसर रहेगा आपका ठीक है ना इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग तो लार्ड वेलेजली है ना इनका संबंध किससे इनका संबंध सहायक संधि से है उसके बाद में लार्ड ढल्लोजी है इनका संबंध है व्यप्तन का सिद्धांत हड़प नीति या हड़प नीति का मतलब ये था कि पहले राजा आ, के जो खुद की औलाद हो जाती थी तो तो ठीक है अगर औलाद नहीं हुई तो वो दत्तक पुत्र मतलब गोद नहीं ले सकते थे फिर कहते तब जब तक तुम जिंदा हो तब तक यह

विच मोमेंट इन इंडिया बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना उसके दौरान इनमें से कौन सा मोमेंट है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूँ जानबूझ के था नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़े ज़्यादा करवा पाऊँ ठीक है ना बहुत ज़्यादा डेप्थ करवाने का भी फिलहाल वक्त है नहीं क्योंकि आपका पेपर पास में है तो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है इनमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो पहला विश्व युद्ध के दौरान भारत का कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था तो वो हुआ था होम रूल आंदोलन जो है ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था प्रसिद्ध हुआ था ये विच टाउन रिलेटेड विद अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह से संबंधित इनमें से कौन सा टाउन जो है वो अठारह सो सत्तावन से रिलेटिव नहीं करता है मेरठ दिल्ली अमृतसर और लखनऊ एक्चुअली इसमें अमृतसर का कोई लिंक नहीं आ रहा है लेकिन हाँ लखनऊ का आ रहा है और दिल्ली का आ रहा है और के साथ साथ मेरठ का तो आना ही आना है कन्फर्म क्योंकि सबसे पहले ये क्रांति जब स्टार्ट हुई थी ना तो वो तो तारीख थी 10 मई आपकी 10 मई से स्टार्ट होके ये 10 मई अठारह को स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट तो हुई थी कहाँ से अंबाला से और इसी दिन ही इसी दिन ही कुछ घंटों के बाद में ये चली गई थी मेरठ चली गई थी तो बल्कि कई किताबों में तो आज भी लिखा मिलता है कि सबसे पहले ये क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई तो मेरठ से स्टार्ट हुई लेकिन एक्चुअली ये क्रांति जो है ना सबसे पहले अभी थोड़े दिन पहले रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो यह अंबाला ही दिखाया है उसमें एक ट्रिटी पूछी है आपसे कि कौन सा कालानुक्रम के अनुसार मतलब वक्त के अनुसार सबसे पहले कौन सी हुई है इनमें तो देखो इनमें सबसे पहले जो है ना आपकी वो है इलाहाबाद और कड़ा की संधि है ठीक है ना उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि है उसके बाद में बेसिन की संधि उसके बाद में लाहौर की संधि इस करके आपका ऑप्शन नंबर जो है ना थर्ड वाला इसका ठीक है सांची का स्तूप सांची स्तूपा जो पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर है अच्छा देखो स्तूप रिलेट करता है बौद्ध धर्म से रिलेट करता है ठीक है ना बौद्ध धर्म की पूजा स्थली कह सकते हो आप लोग ठीक है ना इस प्रकार का एक स्तूप है उसके बाहर ऐसी रेलिंग सी लगी होती है ठीक है ना इस टाइप से चीजें बनी होती है तो वो किसने तैयार करवाया तो बौद्ध धर्म का इनमें सबसे ज़्यादा जो उपासक माना जा सकता है वो राजा अशोक ही था चाणक्य तो हालांकि इनके प्रधानमंत्री थे बिंदुसार का ये बेटा था ठीक है ना चंद्रगुप्त जो है ना चंद्रगुप्त का ये पोता था चंद्रगुप्त के जीवन में वैसे तो कोई धर्म था नहीं आजीवक संप्रदाय थे शुरू में तो लेकिन जीवन के अंतिम समय में दो में बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के अंदर इन्होंने कर्नाटक के अंदर जो सरवण बेल गोला है ठीक है ना कर्नाटक में सरवण बेल गोला कर्नाटक के सरवण बेल गोला में प्राण त्याग दिए थे किस विधि से उस विधि का नाम है संथारा विधि ठीक है ना संथारा संथारा कह दो इसको या इसको कई जगह पे सुलेखना भी लिखा करते हैं सुलेखना संथारा या सुलेखना विधि से जो ना इन्होंने प्राण त्याग दिए थे अब संथारा सुलेखना विधि से प्राण त्यागे थे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डेथ बाय चॉइस इसको बोलते हैं हम लोग ठीक है ना डेथ बाय चॉइस है यानी कि बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देना वही विधि है और ये विधि जैन धर्म के अंदर आती है इसका मतलब इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्म के उपासक जो थे ना किससे मतलब शिक्षा दीक्षा ली थी तो वो ली थी भद्रबाहू से ठीक है ना भद्रबाहू से ली थी इस बात को आपको याद रखना भद्रबाहू से दीक्षा शिक्षा ली थी इन्होंने जो कि दिगंबर है ध्यान रखना अच्छा थोड़े दिन पहले आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा एक महाराज विद्यासागर जी जो अभी थोड़े दिन पहले इसी विधि से ही प्राण त्यागे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही फेमस संत है हालांकि थे मतलब अब तो खैर समाधि ले ली उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिल के आए थे ठीक है ना? विद्या विद्यासागर महाराज और दिगंबर संत थे ठीक है ना और उन्होंने भी सुलेखना विधि या संथारा विधि से प्राण त्याग है बिना कुछ खाए पिए अन्न का त्याग कर दिया और उसके बाद में जीवन को बिल्कुल समाप्त हो गए समझ लीजिएगा और बिंदुसार के पास में कोई धर्म नहीं था ये आजीवक संप्रदाय थे अशोक के पास में भी कोई धर्म था तो नहीं स्टार्टिंग में तो ये आजीविक संप्रदाय ये भी थे लेकिन जीवन के अंतिम समय यू या कह लो अंतिम समय तो ज़्यादा नहीं पर 261 सौ इकसठ ईस्सा पूर्व जो कलिंग युद्ध हुआ था ना उसमें चीनी यात्री था उपगुप्त उस उपगुप्त से जो है ना इन्होंने कौन सी दीक्षा ली थी उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी चीनी यात्री उपगुप्त से तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करके याद करना होगा किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है पेरियार किसको कहते हैं हम लोग देखो तो पेरियार कहा करते हैं हम लोग किसको ईवी रामास्वामी नाइकर को कहते हैं और एक पेरियार झील भी है वो कहाँ पे पड़ती है केरल के अंदर पड़ती है याद रखना आप लोग केरल के अंदर है वो झील वो अमंग द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल गेव द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से किसने भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया भारतीयों के लिए भारत का नारा किसने दिया था तो भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पहली गौशाला सेटअप करने में इनका बड़ा और के साथ साथ जो है ना सत्यार्थ प्रकाश लिखने के लिए बड़ा इनका सहयोग रहा है अपने आप में हरियाणा में गौशाला सेटअप करने में इनका सहयोग रहा है रेवाड़ी जिले के अंदर भारत में कौन काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना वो कर्नाटक है ठीक है ना कर्नाटक है उसके बाद में केरल है और कर्नाटक के अंदर ही ध्यान रखना आप लोग भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कॉफ़ी ठीक है ना अच्छा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती तो है ये ठीक है बात आपकी लेकिन कॉफ़ी कौन सी किस्म की होती है वो होती है अरेबिका ठीक है ना अरेबिका अरेबिका कॉफी सबसे ज्यादा होती है इवन इसको ना जीआई टैग भी मिला हुआ है एक बात और याद रखना अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला हुआ और अरेबिका कॉफी जो है ना आपकी ये कॉफी आपकी याद रखना आप लोग एक चीज और कि कहां पे होती है ज्यादा ये होती है बाबा बुदन की पहाड़ी पे बाबा बुधन बाबा बुधन की पहाड़ी बाबा बुधन की पहाड़ी हालांकि इसका पूरा नाम यही है बाबा बुधन अरेबिका कॉफ़ी ऐसे करके इसका नाम है कहा जाता है कि बाबा बुधन अमेजन नदी के किनारे से सात बीज लेके इस पहाड़ पे लगाए थे इसी करके इसका नाम जो है ना वो बाबा बुधन पड़ गया पहाड़ का नाम भी और आज भी बाबा बुधन कह रहे हैं इसको अच्छा इसके अलावा जो है ना आप याद रखना कि कर्नाटका का कैपिटल क्या है बेंगलुरु है जिसको आप लोग इंडिया में सिलिकॉन सिटी कहा करते हैं ध्यान रखना आप लोग और इसके अलावा जो है ना आपको इसको बेंगलुरु केंद्रीय इसरो का हेडक्वाटर याद रखना होगा आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी किस नदी को पश्चिम बंगाल का दुख कहते हैं इस नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है बाढ़ आने के कारण असमय बाढ़ आना मतलब एक तो देखो बाढ़ तो खैर कभी भी आए समय पे आए अ समय आए बाढ़ का मतलब है कि जरूरत से ज़्यादा पानी आ जाना इसका मतलब कि ये नदी है दुख और दुख है कौन सी दामोदर दामोदर नदी सर निकल कहाँ से रही है दामोदर नदी निकल रही है छोटा नागपुर पठार से निकल रही है ये निकल रही है छोटा नागपुर पठार से छोटा नागपुर पठार से निकल रही है छोटा नागपुर पठार कहाँ पे पड़ता है सर ये पड़ता है झारखंड के अंदर पड़ता है ठीक ना झारखंड में और ये आगे वेस्ट बंगाल के हुगली नदी की सहायक नदी कहलाती है ठीक है ना हुगली की हुगली की सहायक हुगली की सहायक नदी कहलाती है ये हुगली की ट्रिब्यूटरी नदी है ये अच्छा इस नदी के ऊपर 1951 के अंदर एक डीवीसी बना था 1900 डीवीसी डीवीसी का मतलब क्या है दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है ना ये बना था 1951 के अंदर 1951 के अंदर बना था आपका इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है कि इस नदी के ऊपर बना दिया गया बांध बना दिया गया ठीक है ना इस नदी पे बांध अब बांध बना दिया गया इसका मतलब क्या सर जब चाहिए तब पानी ले लेंगे अपन नहरें निकाल दी इससे आपा ने और जब किसी नदी से आप नहरें निकाल देते हो ना तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से पानी लोगे तो ये आपकी लाइफ सेविंग बन गई समझ लो तो कभी इसको सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कह रहे हैं तो कभी कभी तो इसको आप लोग कह रहे हो सोरो लेकिन आज इसको कहा कह रहे हो आप लोग क्या आज इसको कह रहे हो लाइफ लाइन लाइफ लाइन ऑफ लाइफ लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल, लाइफ लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये याद रखना आप लोग ये पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है इस बात को याद रखना आप लोग लाइफ लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल क्योंकि अभी पानी अपनी मर्जी से निकाल जो रहे ना हम लोग हुगली जो है ना इसके किनारे क्या है इसके किनारे कोलकाता पड़ता है आपका ठीक है ना कोलकाता मतलब एक्चुअली जो कोलकाता है ना वो कोलकाता किस नदी के किनारे है? ऐसे सवाल पूछे आपसे तो कोलकाता पड़ता है हुगली नदी के किनारे गंगा से ही निकली हुई है ये ठीक है ना गंगा की वितरिका है एक तो ट्रिब्यूटरी होती है ना वो तो सहायक होती है तो वितरिका है उससे अंदर से निकली हुई ठीक है और कोसी कोसी बिहार का दुख कहलाती है ये ध्यान रख लेना आप लोग बिहार का दुख कहलाती है बिहार का सौरव कहलाती है ऐसे महानदी पूछ ले आपसे महानदी तो महानदी ओडिशा का दुख कहलाती है ठीक है ना ओडिशा का कहलाती है दुख ऐसे पूछ ले आपसे घग्गर पूछ ले घग्गर तो ये कहलाती है हरियाणा पंजाब का दुख कहलाती है हरियाणा और पंजाब का दुख कहलाती है घग्गर आपकी ठीक है तो ऐसे दो तीन सवाल है जो आपके बन सकते हैं किस राज्य को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है मतलब कोयला राजधानी के रूप में झारखंड का धनबाद है इसको जाना करते हैं हम लोग और एक बात और याद रखना कि कोयले के चार प्रकार हैं जिनमें सबसे घटिया किस्म का कोयला कहलाता है आपका कौन सा पीट कोयला कहलाता है जिसके अंदर 60 से पैंसठ परसेंट ही कार्बन होता है आपका पीट के बाद में होता है लिग्नाइट कोयला होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है सेवनटी टू सेवनटी टू सेवनटी फाइव परसेंटेज जो है ना इतना आपका इसके अंदर कार्बन परसेंटेज है इसके बाद में एक पीट uh, लिग्नाइट के बाद में बिटुमिनस कोयला होता है बिटुमिनस के अंदर जो है ना एट्टी टू एट्टी फाइव परसेंटेज कार्बन है फिर एंथ्रासाइट कोयला होता है जिसके अंदर आपके

अच्छा कोयले से बिजली बनाते हैं थर्मल प्लांट तो ठीक है हमारे पास में लेकिन हरियाणा में सबसे पुराना थर्मल प्लांट जो है ना वो तो है पानीपत का ठीक है ना पानीपत का नाइनटीन का है पर आप सीधा याद कर लो पानीपत अच्छा हरियाणा में सबसे बड़ा थर्मल प्लांट जो है ना वो कौन सा है वो है आपका इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट है और ये कहाँ पड़ता है ये पड़ता है झज्जर ठीक है ना झज्जर के अंदर पड़ता है पंद्रह सौ मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है याद रखना अच्छा अभी थर्मल प्लांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी करंट अफेयर में था दीन दयाल दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह आपका पंडित दीन दीनदयाल जो नहीं सॉरी हाँ, दीनदयाल जो आपका बं, बंदरगाह नहीं सॉरी क्या कह रहा हूं मैं वो ये क्या कहते रहे आपका थर्मल प्लांट ठीक है ना थर्मल प्लांट जो है ना आपका हरियाणा के अंदर वो दीनदयाल नहीं था यार सर छोटू राम है हाँ छोटू राम आपका दीनदयाल छोटू राम जी ये यमुना नगर का है जिसका 800 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है पहले एक्चुअली था ये 600 मेगावाट का इसको एक बेल कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसने 800 मेगावाट की नई यूनिट सेटअप कर रहा है यमुना नगर के अंदर ठीक है और हाँ एक और बात भी है कोयले से रिलेटेड कि हमारा एक टारगेट है आने वाले सालों के अंदर हम क्या कर रहे हैं देखो अब तो हम कोयले पे डिपेंड है कितना 74 फोर परसेंटेज सेवेंटी परसेंटेज हम बिजली बनाते हैं कोयले से ही है इन फ्यूचर हम लोग इसको घटा के सिक्सटी परसेंटेज करना चाह रहे हैं ठीक है ना आने वाले समय के अंदर तो आप कहोगे सर ये बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगी लेकिन हाँ हमारी शुरुआत है क्योंकि कोयले से बिजली बनाते हैं ना तो क्या होता है कि कार्बन बहुत एमिट होता है तो कार्बन एमिट होता है तो मतलब क्या है कि आ, आपका जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है इस करके हमारा टारगेट है कि इसको रिड्यूस करें नेट आ, कार्बन जीरो करने का टारगेट कौन से ईयर का है दो का है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कार्बन न्यूट्रल करने का कौन सा ईयर का टारगेट है टू का है हरियाणा के अंदर एक थर्मल प्लांट नहीं सॉरी आपका न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पे है तो वो आपको याद रखना है गोरखपुर के अंदर गोरखपुर और गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है सर ये है फ़तेहाबाद के अंदर है फतेहाबाद फतेहाबाद के अंदर है और इसकी जो नींव रखी थी स्टार्टिंग की थी वो की गई थी जनवरी 2014 के अंदर उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री जी जिनका नाम है मनमोहन ठीक है ना मनमोहन जी ने की थी इसकी नींव रखी थी ये आपका 2036 तक एक्टिव हो जाएगा ठीक है ना ये मतलब काम करना तब तक बन के तैयार हो जाएगा अभी भी रनिंग कंडीशन में चल रहा है इसमें 700 700 मेगावाट की सात मेगावाट की टोटल चार यूनिट है तो सात सौ के अट्ठाईस ये अट्ठाईस मेगावाट का होगा बाकी आदमी बढ़ा भी दिया जाएगा लेकिन शुरुआत में ही अट्ठाईस मेगावाट कैपेसिटी का तैयार किया जा रहा है अभी यहाँ पे आपका ठीक है विच ऑफ़ द फोलोइंग माउंटेन्स इज़ द ऑल्डेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है इनमें से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है अनडाउटली शायद आपको इस, इसका आंसर आता होगा सबसे पुराना पर्वत इनमें से अरावली पर्वत है अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है राजस्थान के अंदर ठीक है ना गुरु शिखर है और हरियाणा की अगर बात करते हो आप लोग तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊँची पहाड़ी जो है ना वो पड़ती है डोसी की पहाड़ी ठीक है ना डोसी की पहाड़ी और डोसी की पहाड़ी जो है ना ये कहाँ पर है यह है आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है ठीक है ना महेंद्रगढ़ में और डोसी की पहाड़ी में भी इनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है डाणी कुलताजपुर ठीक है ना डाणी कुलताजपुर ठीक है ना डाणी कुलताजपुर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 652 मीटर 652 मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है ये याद रख लेना आप लोग अगला है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है देखो इन ऑप्शंस में बात करते हो आप लोग तो यूं ऐसा है आपका भारत का मैप और इधर पड़ता है आपका अरब सागर ठीक है ना इस साइड है आपका अरब सागर और इधर है आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल है आपका यहाँ पे तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं ना आपकी वो कौन कौन सी है तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ना आपकी उनमें से एक तो नदी आती है आपकी यहाँ पे देखो ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा नहीं बनाती ये एक्चुअली क्या बनाती है एश्चुरी बनाती है ये ठीक है ना ये एश्चुरी बनाती है एश्चुरी मतलब होता है खारा पानी मीठा पानी डायरेक्ट मिलन एक नदी और समुद्र का डायरेक्ट मिलन हो जाना समझो ये पाँच नदियाँ हैं ठीक है ना एक तो नदी का नाम है इसके अंदर नर्मदा नदी है ठीक है ना एक तो आपकी नदी है इसके अंदर नर्मदा है एक नर्मदा के अलावा आपका जो है ना वो है ताप्ती है एक इसके अंदर माही है एक आपका लूणी है एक इसमें है साबरमती है साबरमती है नर्मदा ताप्ती माही लोनी साबरमती ये डेल्टा नहीं बनाती हालांकि देखो प्रैक्टिकली तो ये दो ही नदियां हैं जो अभी मतलब है बाकी बाकियों में तो खैर पानी नहीं है मौसमी नदी है लेकिन ये पांचों नदियां ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है डायरेक्ट समुद्र में मिलती है मतलब एश्चुरी बनाती है कह लो लेकिन गोदावरी आप समझते हो ये दक्षिण गंगा दक्षिण की गंगा कहलाती है ये डेल्टा बनाती है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये तो इसका आंसर गोदावरी रहेगा बाखड़ा नंगल बांध जो है ना कौन सी नदी के ऊपर बना है अनडाउटली सबको पता है सतलज नदी के ऊपर बना है और इस नदी के ये जो बांध है ना इससे पीछे जो झील बनी है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं हम लोग ठीक है ना गोविंद सागर वो है आपकी गोविंद सागर गोविंद सागर झील है और गोविंद सागर झील जो है आप ये याद रखना कि आपकी एक ऐसी झील है जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ठीक है ना मैन मेड सबसे बड़ी झील कहलाती है ये वाली आपकी अभी रिसेंटली रावी नदी का पानी भी हम लोगों ने रोक दिया है या मोड़ दिया है पूरा पाकिस्तान को नहीं जाएगा इसके ऊपर एक शाहपुर कंडी बांध बना के बांध कौन सा बना ध्यान रखना आप लोग शाहपुर ठीक है ना शाहपुर कंडी शाहपुर कंडी बांध कंडी बांध बना के जो है ना हम लोगों ने उसको पूरा मोड़ लिया है अपने भारत की तरफ ही मोड़ लिया है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिनको मार दिया गया तो वो प्रधानमंत्री जी का नाम था इंदिरा गांधी जी ठीक है ना इंदिरा गांधी और इनमें ना कि याद रखना आप लोग पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और मुरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था अब तक दस बार बजट पेश करने वाले ये हैं अच्छा पुरुषों में तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले हैं मुरारजी देसाई लेकिन अगर आप बात करते हो महिलाओं की तो उसमें आपकी बात आती है कि इसके निर्मला सीतारमण जी की बात आती है निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण जी इन्होंने कितनी बार बजट पेश कर दिया देखो 2019 में जब आई आइए तो उन्होंने बजट को बजट नाम ना देके एक नया नाम दे दिया बही खाता नाम दे दिया ठीक है ना जैसे ट्रेडिशनल वर्ड होता है ना बही खाता ऐसे 2020 में जब इन्होंने बजट दिया तो एक नया कीर्तिमान बनाया क्या लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दे दी इन्होंने ठीक है ना इन्होंने दे दिया लॉन्गेस्ट बजट स्पीच लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इनकी बजट की जो स्पीच थी ना वो सबसे लंबी थी दो घंटे चालीस मिनट के अराउंड थी ठीक है ना अच्छा इसके बाद में जो है ना 2021 में जब ये बजट लेके आई तो वो इंडिया का पहला डिजिटल बजट था आपका पहला डिजिटल बजट ठीक है ना पहला डिजिटल बजट जो है ना आपका था इन इनका ये याद रखना आप लोग कब था 2021 का था 2022 की अगर आप बात करते हो आप लोग तो 2022 के अंदर जो बजट था आपका वो क्या इंपॉर्टेंट था तो 2022 में तो लगे कोई खास इतना यूनिक नहीं था 2023 का बजट दिया 2024 का इस बार का जो बजट था ना वो इंट्रीम बजट था ठीक है ना इंट्रीम बजट था टैब के थ्रू ही बजट पड़ रही है ही अब और इंट्रीम बजट का मतलब होता है जिस साल में इलेक्शन होते हैं ना उस साल के बजट को आप इंट्रीम बजट कहते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि साल सरकार पूरा कर पाए ना पाए इट मे भी सरकार रिपीट हो जाए इसमें इट मे भी सरकार कोई नहीं बन के आ जाए है ना तो इसमें आपके पास में एक दो तीन चार पाँच और छः टोटल जो है ना निर्मला सीतारमण जी ने छः बार बजट है ना वो पब्लिश कर दिया है तो इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ से अलग से याद कर लेना है अच्छा सवाल बन सकता है ये आपका चलिए सर अगला सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बिल कैन नोट बी द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा कौन से बिल को पहले आप लोग राज्यसभा में पब्लिस नहीं कर सकते हैं तो राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं वो आपका देखो ऑर्डनरी बिल लाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया जा सकता है बट धन विधेयक जो है ना ये हमेशा लोकसभा में ही आता है आप ये याद रखना कि धन धन मतलब पैसा पैसा किसको चाहिए पैसा चाहिए लोगों को चाहिए तो लोकसभा लोकसभा ऐसे करके आस आज, आसपास बना सकता है लोग और लोक एक जैसा सा लग रहा है लोगों को पैसा चाहिए तो मनी भी आएगा पहले पहले आपका कहाँ पे ये आएगा लोकसभा के अंदर ही आएगा इनमें से कौन सा सेशन लोकसभा का नहीं है देखो क्या होता है कि एक साल में तीन सेशन होते हैं आप याद कर सकते हो इसको बी से याद कर सकते हो बी का मतलब क्या है बजट है मानसून है और विंटर है एक साल में तीन ही सेशन होते हैं ना आपके तो बजट है मानसून है और विंटर है तो आप सोच के देखिएगा इसका ठीक आंसर क्या होगा समर सेशन तो कुछ होता नहीं है मानसून सेशन होता है विंटर सेशन भी होता है बजट सेशन भी होता है जैसे अभी आपका फरवरी महीने से बजट सेशन चल रहा है उसके बाद में आगे बारिश के सीजन का आसपास आता है ना वो मानसून सीजन आता है फिर सर्दी में आता है आपका वो विंटर सीजन आ जाएगा है ना पर समर सीज़न कुछ नहीं होता विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन नहीं रहे थे भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं रहे थे तो के आर नारायण साहब तो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं शंकर दयाल शर्मा भी आपके भारत के प्रधान राष्ट्रपति रह चुके हैं बट विश्वनाथ प्रताप जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे थे ज्ञानी जैल सिंह ये भी रहे थे ये एकमात्र भारत के राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि जेबी बी विट्टो पावर का यूज़ किया था ये जे विट्टो पावर क्या होती है अगर कोई विधेयक को राष्ट्रपति चाहे पास ना करना चाहे अपने पास में रखना चाहे तो वो रख सकता है इसी आ, के चलते हुए एक ना ज्ञान मतलब एक पावर होती है जेबी बी विट्टो पावर इन्होंने डाक विधेयक पर यूज़ की थी है। और ये भारत में सबसे अब तक एक ही मात्र ऐसे थे जो कम पढ़े लिखे थे एक्चुअली तो ये पढ़े लिखे ही नहीं थे पर इस पोस्ट को आप कम पढ़े लिखे कहो तो ज़्यादा ठीक ठाक लगता है आपको अच्छा संसद में जो प्रश्न काल चलता है उसके संबंध में तारंकित प्रश्न का मतलब क्या होता है जो स्टार्ट जो आपका स्टार्ट क्वेश्चन होता है ना उसको किस नाम से जानते हैं तो तारंकित प्रश्न जो होता है ना एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब आप लोग जो है लिख के देना ज़रूरी नहीं है आप केवल बोल के ही मौखिक रूप से जवाब दे दें तो ही चल जाएगा आपका तो रिक्वायर एन ओरल रिप्लाई जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं विपक्षी दल पूछ लेते हैं तो वो तो लिख के जवाब देना होता है लिखित में जवाब देना होता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप लोगों को सिर्फ बोल के ही देना है ठीक है ना मौखिक रूप से जवाब देना है आपको तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ठीक रहेगा थर्ड वाला चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री जी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है ना अपॉइंट किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर एक है इससे रिलेटेड जो है ना वो अपॉइंट किए जाते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा ठीक है नेक्स्ट है कि ये मेंबर ऑफ ब्लैंक्स इलेक्टेड इज फॉर पीरियड ऑफ अच्छा देखो राज्यसभा का जो मेंबर है ना वो कितने समय के लिए इलेक्ट होता है राज्यसभा के लिए मेंबर है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है राज्यसभा चलती ही रहती है बस उसके मेंबर जो है ना उसका कार्यकाल छः साल का होता है और राज्यसभा के मेंबर हर दो साल के बाद में एक तिहाई रिटायर्ड होते रहते हैं वन थर्ड रिटायर्ड होते रहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है अगर आप बात करते हो अपने हरियाणा स्टेट की तो हरियाणा के अंदर टोटल जो विधानसभा सीटें हैं ना वो कितनी हैं अगर आपसे लेजिस्लेशन सीट की बात कर दी जाए विधानसभा की तो आप जवाब दोगे कितना टोटल 90 सीट्स का देने वाले हो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य इसमें सॉरी लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो जवाब रहेगा दस ठीक ना? है ना लोकसभा लोक की जो सीटें हैं ना लोकसभा लोकसभा की सीटें दस है अच्छा नब्बे विधानसभा की होगी दस लोकसभा की होगी और पाँच सीटें जो है ना वो किसकी है पाँच सीटें जो है ना इसमें वो है राज्यसभा की हैं पांच आपकी तो ये टोटल तीनों आपको याद चाहिए विधानसभा की भी पता होना चाहिए लोकसभा का भी पता, होना और का भी आपको पता रहना आती है कि राज्यसभा के, के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होते हैं याद रखना जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना वही राज्यसभा के सभापति होते हैं अध्यक्ष नहीं कहते सभापति कहते हैं ठीक है ना सभापति कहते हैं राज्यसभा के सभापति जो है ना वो होंगे भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति ठीक है ना भारत के उपराष्ट्रपति ठीक है ना भारत के उपराष्ट्रपति होंगे ध्यान रखना और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है तो उनका नाम आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ ठीक है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ नेक्स्ट बात आती है आपकी द प्राइवेट मेंबर्स बिल रिफ्लेक्ट द निजी सदस्य का बिल जो है ना इनमें से क्या दिखाता है आपका तो ये निजी सदस्य का बिल ये दिखाता है कि स्टैंड द अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल का रुख क्या होता है विपक्ष होना बहुत मज़... बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है अगर कोई विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है ना वो अपनी मनमानी करेगी तो एक विपक्ष और विपक्ष का मजबूत होना वाकई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके अंदर द इम्पिचमेंट ऑफ़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ शुरू किया जा सकता है देखो राष्ट्रपति जी को जबरदस्ती हटाना आर्टिकल 61 के चलते हुए ऐसा है कि उनको इम्पिचमेंट बोलते हैं हम लोग अपने पद से जबरदस्ती हटाना जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड अवॉइड किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जो कि संविधान से संबंधित नहीं हो तो उनको जबरदस्ती अगर हटाना हो तो इम्पिचमेंट है हालांकि भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक इम्पिचमेंट भी प्रोसेस जो है ना वो हुई नहीं है लेकिन इंपीचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती कोई भी हटा दो लोकसभा राज्यसभा में इसको वैसे कहीं पे भी लाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति को आपने जैसे आज नहा धो के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में आए उनको कह दिया कि भाई आज आप जो है ना इम में आपको हटा दिया गया ऐसा नहीं है पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होता है कोई भी हाउस के अंदर कोई भी हाउस का मतलब क्या है देखो पार्लियामेंट जो होता है ना आपका अगर आप बात करते हो हमारा जो पार्लियामेंट है ठीक है ना पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर टोटल तीन पा इसके तीन पार्ट हैं तीन पार्ट में सबसे पहला कौन सा है आपका पहला है आपका आ, ये अपर पार्ट एक तो होता है आपका लोअर यानी कि जिसको लोकसभा कहा करते हैं ठीक है ना लोकसभा कहा करते हैं हम लोग और एक होता है हमारा अपर अपर वाला राज्यसभा हो गया ठीक है ना राज्यसभा हो गया और तीसरा जो हमारा पास तीसरा जो हमारे पास में है ना वो है क्या प्रेसिडेंट होता है ठीक है ना प्रेसिडेंट हो गया आपका यानी कि राष्ट्रपति हो गए हमारे तो ऐसा है कि ये तीन अंग है हमारे किसके पार्लियामेंट के अब लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी ये इनकी इम्पिचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं बशर्ते फोर्टीन डेज पहले बताना होगा फोर्टीन डेज पहले ठीक है ना फोर्टीन डेज पहले बताना होगा कि हम आप पे इम्पिचमेंट प्रोसेस लेके आ रहे हैं और दोनों ही सदन में वन बाय फोर्थ इसी में याद कर देना वन बाय फोर्थ राज्य भी होना जरूरी है मतलब क्या है कि एक बटा चार सदस्य यहाँ पे और एक बटा चार सदस्य यहाँ पे इतने मेंबर अगर दोनों साइड इक्वली एग्री करते हैं कि भाई हाँ ये पिचमेंट प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट हो रही है तो करके जो है ना ये राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है मतलब वो हट जाएंगे अपने आप ही वरना क्या होता है कि कोई भी बिल पास होता है या कोई भी विधेयक पास होता है उस टाइम पे क्या होता है कि राष्ट्रपति जी साइन करते हैं तो सवाल ये आता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस पे राष्ट्रपति साइन करेंगे क्या पहले तो बात खुद के हटाने हटाने पर कौन साइन करने वाला है तो खुद के हटाने पर साइन तो नहीं करेंगे पर साइन भले ही ना करें पर मुद्दा ये आता है कि ये वन बाई फोर्थ वन बाई फोर्थ अगर हो गए तो अपने आप हट जाएंगे वो ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को इस सेशन को अगर आपने अभी तक के लिए लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज कर देना और तो टेक्सट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना इस क्लास का पीडीएफ आपको जो है ना वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरा टेलीग्राम चैनल भी सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करना सुनील सर टेक्सट बुक ठीक है ना मिल सर टेस्ट बुक टेक्स्ट बुक पर कोई भी कोर्स लो ना आप लोग तो मेरा कूपन कोड है एस यू एन आई एल सुनील बी ठीक है ना इसको भी जरूर आप ज्वाइन कर लगा सकते हो चलो अगला सवाल आपके पास में आता है क्या कि भारत के संसद का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिएगी तो भारत के संसद का सदस्य बनने के लिए जो है ना वो उम्र चाहिए कितनी पच्चीस साल चाहिएगी सही बात है पच्चीस साल अच्छा भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए देखो आपका संसद की मेंबर बनना है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है आइधर लोकसभा से हो सकता है ना ठीक है ना हो? लोकसभा से हो सकता है अच्छा लोकसभा से हो तो सकता है लेकिन कितने उम्र 25 साल सबसे कम उम्र के संसद हरियाणा से जो बने थे ना वो वो बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुष्यंत चौटाला हिसार की सीट से 25 साल की उम्र में बने वो और राज्यसभा के अंदर जब बात करते हैं तो आप लोग 30 साल पे चले जाते हैं और राष्ट्रपति की बात करते हैं आप लोग तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए होगी ना वो चाहिए कितनी पैंतीस साल ठीक है ना थर्टी ईयर का होना चाहिए कम से कम अगर राष्ट्रपति बनना है तो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने वाले राज्यों की अधिकतम संख्या कितनी है एक ही व्यक्ति को राज्यपाल देखो आपको ऐसा है कि एक ही पर्सन को चाहे आप राज्यपाल की बात करो चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करो चाहे आप राष्ट्रपति की बात करो एक ही बंदे को रिपीट रिपीट पे रिपीट अगर आपको बनाना है तो उसकी एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है उसको आप कितनी ही बार बना सकते हो यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है देर इज नो लिमिट ठीक है ना देर इज़ नो लिमिट कोई लिमिट नहीं है उनको आप बना सकते हो मल्टीपल टाइम ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पर विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज द स्टेटस ऑफ महारत्ना किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है महारत्न का दर्जा जो प्राप्त है ना वो किसको प्राप्त है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको आई कहते हैं और आई की रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत में भी है इसको भी बात आप याद कर देना गुड मॉर्निंग बेटा अच्छा इसके बाद में जो अगला सवाल आपका आता है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द नॉन फार्म सेक्टर एक्टिविटी निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है गैर कृषि क्षेत्र की गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है ना तो वो आपका आता है कौन सा डेयरिंग उद्योग आता है आपका क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट यही के साथ है आपका पशुपालन है और एग्रीकल्चर है यही साथ में रिलेट कर रहा है ये आपका ठीक है अच्छा ये सब कुछ आते किसके अंदर है मान लेते हैं कि आपके पास में पांच सेक्टर होते हैं एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है ठीक है ना एक आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर एक आता है टर्सरी सेक्टर एक आता है क्वाडनरी सेक्टर एक आता है आपका पांचवा सेक्टर, सेक्टर आता है फिफ्थ सेक्टर आता है अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर सारा का सारा आपका जो है ना वो रो मटेरियल आता है ये ध्यान रखना आप लोग रो मटेरियल आता है रो मटेरियल आता है इसके अंदर मतलब कह सकते हो आप लोग कौन सा कौन सा चीज़ें आती है एक तो इसके अंदर एग्री हब जितने भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी ठीक है ना और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और क्या चीज़ें आ सकती है आपकी एग्रीकल्चर के अलावा जो है ना आपका यहाँ पे आ सकता है जैसे एनिमल हस्बेंड्री आ सकती है एनिमल हस्बेंड्री आ सकती है ये आपका डेरिंग डिपार्टमेंट आ सकता है ठीक है ना डेरिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा ये सब चीजें किसमें आती है आपकी ये सब की सब चीजें आती है आपकी इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है ये ध्यान रखना आप लोग अच्छा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है ये सारी चीज़ें बात समझ में आ गई हम लोगों को लेकिन दूसरी बात हमारे पास में ये आती है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर में मतलब जैसे आपने गेहूं उगा लिया आपने चावल उगा लिया आपने कपास उगा ली ये सब चीज़ें क्या है आपकी ये सब चीज़ें आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर है आपने गाय भैंस कर वे रख ली है आप दूध उत्पादन कर रहे हैं ये सब कुछ किस में आता है ये सब कुछ प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है आपका लेकिन लेकिन सेकेंडरी सेक्टर आता है इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री मतलब क्या है जहाँ पर आपने फैक्ट्रियाँ लगा रखी है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गेहूँ तो उगा ली पर गेहूँ की अब मैं बिस्किट बना रहा हूँ गेहूँ का मैं सूजी बना रहा हूँ गेहूँ का मैदा बना रहा हूँ दूध है दूध का पनीर बना रहा हूँ दूध का मावा बना रहा हूँ ये सब क्या सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका तो जितनी भी आपकी जो फैक्ट्री आती है ना फैक्ट्री तो फैक्ट्री प्रोडक्ट सारे के सारे आपके तैयार होते हैं कहाँ पर फैक्ट्री प्रोडक्ट तैयार होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में तैयार होते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही जाए फैक्ट्री प्रोडक्ट आते हैं आपके अब बात करते हो आप लोग टर्सरी सेक्टर की बात करते हो यानी कि तृतीय क्षेत्र की बात करते हो तो टर्सरी सेक्टर जो होता है ना आपका इसके अंदर क्या चीज़ यूनिक होती है सर टर्सरी सेक्टर के अंदर यूनिक ये देखने को मिलेगा आपको कि इसमें आपको इन चीज़ों से बना हुआ डायरेक्ट सर्विस मिलेगी जितनी भी सर्विसेज होती है ना आपकी यहाँ पे सर्विसेज जो है ना आपकी वो सारी की सारी इसी के अंदर ही आएगी सर्विस इसी में आएगी सर इस बात का मतलब इस बात का मतलब ये है आपका सर्विस से रिलेट ये करता है जैसे मान लेते हैं कि मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ मुझे बिस्किट खाने हैं पर मेरे पास खेत नहीं है ना ही मेरे पास में फैक्ट्री है तो खेत नहीं है फैक्ट्री भी आ, मेरे पास में क्या है फैक्ट्री है आपके सॉरी बिस्किट खाने खेत भी नहीं है फैक्ट्री भी नहीं है तो मैं मार्केट में जाऊँगा दस रुपये दिए और बिस्किट का पैकेट लेके आ गया वो मेरे पास सर्विस होगी ये कोचिंग फ़िलहाल चल रही है ना आपके पास में ये आपकी सर्विस है भाई ये क्वेश्चन है ये कंटेंट है ये आपको सब कुछ एकदम तैयार हुआ एकदम मिल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है बात खत्म इंटरनेट एक सर्विस है बैंक एक सर्विस है हालांकि इस सेक्टर के ऊपर जिसने भी ज़्यादा काम किया है वहीं से ही ज़्यादा पैसा कमाया है वैसे तो इस सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पैसा है सर्विस सेक्टर के अंदर ही और इंडिया आज 50 परसेंट से ऊपर इसी के अंदर ही जा रहा है और बहुत अच्छी बात होगी कि बहुत आगे हम बढ़ते हैं तो हालांकि एक गैप फिल करना पड़ रहा है इंडिया को हम सेकेंडरी सेक्टर पे अच्छा काम नहीं कर पाए हम फर्स्ट प्राइमरी से सीधा टर्सरी पे कूद गए हमारा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब भी होना चाहिए तभी जाके तो सर्विस दे पाएंगे ना आप सोच के देखो कि हर कोई पढ़ाने लग जाएगा तो पढ़ने वाला भी तो कोई होना ही चाहिए ना देखा जाए तो या हर कोई पढ़ाने लग जाए पर कंटेंट है ही नहीं बिना कंटेंट बिना मुद्दे कोई तो क्या ही तो पढ़ाने वाला है ना अच्छा क्वाडनरी सेक्टर क्या होता है इसमें सारे रिसर्च आती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आती है रो आता है आपका इसरो जैसे हो गया आपका डीआरडीओ जैसे हो गया डीआरडीओ हो गया आपका जितने भी आपके रिसर्च पर्पज़ काम होते हैं अनुसंधान होता है नॉलेज होता है वो सारी जो चीज़ें हैं ना आपकी इनोवेशन है डिस्कवरी है सब कुछ आपता है, आता है आपका क्वाडनरी सेक्टर के अंदर आता है यानी कि फोर्थ वाले सेक्टर के अंदर आता है याद रखना आप लोग और जो पांचवा सेक्टर होता है ना इसको बोलते हैं डिप्लोमेट्स बोलते हैं हम लोग यानी कि इसके अंदर सारी कोई भी कंपनी का सीईओ होता है सीईओ है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कोई देश का आपका जो है ना प्रेसिडेंट आता है आपका राष्ट्रपति कोई आ गए हैं कोई देश के पीएम आ गए हैं ये सब कुछ किस में आते हैं आपके ये सब कुछ इसी में ही आएंगे, आएंगे आपके पाँचवें में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स होता है आपका खेती बाड़ी कृषि पशुपालन है सेकेंडरी में आता है आपका रॉ मटेरियल तैयार रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं यानी कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज आती है इसके अंदर थर्ड के अंदर सारी सर्विसेज आती है बैंक है इंटरनेट है कोचिंग है या कोई जैसे जोमेटो हो गया स्विगी होगा ये सब कुछ आपकी होटल्स वगैरह सब कुछ इसी में आता है एंड फोर्थ के अंदर आता है रो आपका यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस आता है आपका इसरो आता है डीआरडीओ आता है फिफ्थ के अंदर आपका सीईओ है आपकी किसी कंपनी का या प्रेजिडेंट वगैरह डिप्लोमेट सारे इसी आते हैं होप आप इस बात को समझे होंगे हरियाणा में हैंडलूम उद्योग जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना हथकरघा उद्योग वो पानीपत का है पानीपत में पानीपत को आप बुनकरों का शहर ही कहा करते हैं सिटी ऑफ व्यूवर्स के नाम से ही जाना करते हैं पानीपत को तो ये भी याद कर लेना आप लोग द परचेज़ एंड सेल ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है खरीद और बिक्री जो है ना ये क्या कहलाती है ये कहलाती है एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है ये चीज़ें आपकी इसके बाद में मनरेगा मनरेगा आपको पता है महात्मा गांधी गारंटीड योजना है ठीक है ना महात्मा गांधी गरीबों के दिन गरीबों को 100 दिन का रोजगार साल भर में देने के लिए एक 2006 के अंदर स्टार्ट की गई स्कीम थी सेकेंड ऑफ फेबरी टू हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा योजना जो स्टार्ट हुई थी ना वो स्टार्ट हुई थी दो जिलों में एक जिला है याद रखना आप लोग सिरसा एक ज़िला है महेंद्रगढ़ ठीक है ना एक जिला है सिरसा एक जिला है महेंद्रगढ़ इनके अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हरियाणा के अंदर मनरेगा योजना ठीक है अगला है समांतर अर्थव्यवस्था काला धन का अस्तित्व द एक्सिस्टेंस ऑफ ए पैदल इकोनॉमी यानी कि इसको ब्लैक मनी कहते हैं इसका सीधा सा मतलब क्या आता है इसका मतलब आता है मेक द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाना यही आता है आपका इसके अंदर ब्लैक मनी के अंदर जो पैसा सरकार के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं आता है ना उसी से तहत ये पैसा आपका ब्लैक मनी का ही कहलाएगा सारा कंजेप्शंस ऑफ ए फिक्सड कैपिटल इज नोन एज स्थिर पूंजी की खपत को क्या कहा करते हैं आप लोग तो इसको एक्चुअली कहा करते हैं आप लोग डेपेश या मूल्य हास कहते हैं उसको हम लोग ठीक है ना प्राइस गिर जाना एक्चुअली ठीक है ना डाउनफॉल हो जाना उसका हु रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द अनलिंग स्टेट ऑफ पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल पंजाबी भाषा भाषी लोगों के लिए पंजाब के एक भाषी राज्य के गठन की सिफारिशें किसने की थी तो ये की थी शाह आयोग ने आपको याद हो तो शाह आयोग जो है ना वो 23 अप्रैल दो तेईस अप्रैल 1966 को बैठा था ठीक है ना शाह आयोग जे सी शाह के अध्यक्षता में बैठा था शाह आयोग शाह जे सी शाह जस्टिस जे सी शाह थे और इन्होंने ही हरियाणा पंजाब की सीमा को भी डिसाइड किया था आपको याद हो तो हरियाणा पंजाब की सीमा के लिए इन्होंने ना तेईस अप्रैल तेईस अप्रैल 1966 को एक कमेटी बैठी थी तीन लोगों की अध्यक्षता में एक तो इसमें यही थे जयंतीलाल छोटेलाल शाह ठीक है ना और एक इसके अंदर थे एम फिलिप साहब थे ठीक है ना एम फिलिप साहब थे और एक तो इसके अंदर थे आपके जिनका नाम था एस दत्त ठीक है ना एस दत्त थे तीन लोग थे ये इन तीनों लोगों ने अपने कंप्लीट रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिश की है इनकी जो रिपोर्ट आई है ना रिपोर्ट वो आई थी कब 31 मई को आई थी इकतीस मई 1966 को इकतीस मई 1966 को उनकी रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट में बाकी सब कुछ ओके था एक जो एस दत्त था ना इसने क्या कहा इसने कहा कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो चंडीगढ़ और पंजाब नहीं मिलना सॉरी चंडीगढ़ और खरड़ नहीं मिलना चाहिए चंडीगढ़ एंड खरड़ चंडीगढ़ एंड खरड़ ये हरियाणा में नहीं मिलना चाहिए इनकी ये रिपोर्ट थी इसी रिपोर्ट पे काम भी किया गया इवन चंडीगढ़ खरड़ को कहाँ मिलाया गया आपका ये फजल अली हरियाणा के अंदर कब आया था तो फजल अली आयोग जो है ना हरियाणा के अंदर आया था 1955 सौ के अंदर आया था और कहाँ पे आया था ये आया था रोहतक के अंदर आया था ध्यान रखना आप लोग भाषा के आधार पर गठित करने वाला यही आयोग था पहला और इसके आधार पर आंध्र प्रदेश तेलुगू लैंग्वेज के मतलब बिहाफ पे सबसे पहला भारत का राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था गुरुग्राम के अंदर तहसील कौन सी नहीं है इनमें से तो गुरुग्राम के अंदर तहसील कोसली नहीं है कोसली पड़ती है रेवाड़ी के अंदर ध्यान रखना आप लोग ठीक है ना रेवाड़ी के अंदर पड़ती है मानेसर है मानेसर तो हरियाणा का ग्यारहवाँ नगर निगम भी है ध्यान रखना आप लोग ये ये ग्यारहवाँ नगर निगम है नगर निगम है हरियाणा का हरियाणा में टोटल 11 नगर निगम है मतलब तो लेटेस्ट यही है गुरुग्राम का गुरुग्राम खुद भी नगर निगम है और मानेसर भी नगर निगम हो गया 2020 से ये 23 जनवरी 23 दिसंबर 2020 को जो है न इसको घोषणा हुई थी नगर भी गुरुग्राम में पटोदी भी पटोदी मंडी नाम से हरियाणा का नया तेईसवाँ नगर परिषद बना है ध्यान रखना आप लोग ये पटोदी मंडी पटोदी मंडी नाम से जो है ना हरियाणा का तेईसवाँ नगर परिषद बना है अभी हाल ही में नगर परिषद बना है तेईसवाँ हरियाणा का ठीक है अगला है कि निम्नलिखित में से क्या हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है तो हरियाणा की भौगोलिक विशेषता चंबल घाटी से कोई विशेषता नहीं है शिवालिक पहाड़ी मतलब शिवालिक का सबसे निचला हिस्सा मोरनी हिल वाला आता है बागर बांगर ट्रैक्ट आते हैं आपके ठीक है ना और यमुना गगर मैदान भी आते हैं चंबल का कोई वास्ता हरियाणा से है भी नहीं हरियाणा निम्नृत्त में से किस भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है तो ये भूकंप क्षेत्र फोर्थ में नहीं आता वन सेकंड सॉरी फिफ्थ में नहीं आता फोर्थ में तो है ंग दोइ साउट लॉन्ग टाइम ऑफ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हरियाणा के अंदर लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था ना वो चौधरी भजन लाल जी ने किया था ठीक है और हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी किसने संत गरीबदास ने की थी हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास जी के द्वारा दमदमा दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और यह झील पड़ती कहाँ पे गुरुग्राम में है ठीक है ना गुरुग्राम में तो बिगेस्ट लेक है ये पैंतीस के आसपास एक का तीन हजार के आसपास का एकड़ एक का इसका इलाका है और गुरुग्राम की झील है ये दमदमा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है तो वन्य क्षेत्र पंचकुला केंद्र है फिर यमुनानगर के सघन वन ज्यादा है वो तो यमुनानगर में वैसे ओवरऑल पंचकुला का एरिया आता है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था अनडाउटली सबको पता है एक नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में है और हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी होगी पांच हो गई पहली गुरुग्राम दूसरी फरीदाबाद तीसरी आपकी जो है एक तो गुरुग्राम है फरीदाबाद एक पंचकुला है एक सोनीपत है चार तो है पांचवी की घोषणा हुई अभी हाल ही में झज्जर के अंदर अभी तक टोटल है तो चार ही हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये थी श्रीमती सन्नो देवी जगादरी से थी पहली महिला किसी भी राज्य के अंदर और वर्तमान में कौन है वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता जो कि पंचकुला के आपके विधायक हैं और उपाध्यक्ष कौन है रणबीर गंगवा जो कि इंसार के नलवा सीट के विधायक हैं ठीक है, है? हरियाणा में दक्षिण की सबसे पुरानी सड़कों में से एक तो सबसे पुरानी सड़कों में से एक ग्रांड ट्रंक रोड है जो शेरसा सूरी मार्ग भी कहलाता है हथनी बैराज यमुना नदी पे है यमुना नगर के अंदर ही है मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है ये खेड़ा जोड़ एक प्रसिद्ध आद्र भूमि है ये कहाँ पे पड़ती है गुरुग्राम के अंदर पड़ती है ठीक है ना और हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी किसको कहते हैं फतेहाबाद को कहते हैं हम लोग पिंक सिटी गुलाबी नगरी ठीक है और हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है तो राजकीय फूल हरियाणा का कमल का फूल है ये भी बात आप लोग याद कर लेना। कमल का फूल हरियाणा का राजकीय फूल है सो माई डियर स्टूडेंट आज का ये सेशन जो है ना हम लोग यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा और चीज़ें बहुत सारी आपने रिवाइज़ की होगी थैंक यू सो मच स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी सेशन में आने के लिए एंड आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से हमारे आप लोगों को बहुत बहुत बधाइया राधे रानी कृपा रखे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे से करके आ आएँ पेपर में के साथ आप लोग जो है ना इस क्लास का पी लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें वो क्या रहेगा वो है आपका सुनील सर टेक्स्ट बुक सुनील सर टेक्सट बुक या आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दें कोई भी कोर्स लेना हो आप लोग टेक्सट बुक पे तो आप मेरा कूपन कोड जरूर लगा लेना वो है सुनील बी ठीक है ना अनिल बी कूपन कोड आप कैसे यूज़ करेंगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की वहाँ पे आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी बैच इनमें से लेना चाहते हैं आप लोग उसके ऊपर सिंपली आप लोग क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद में जो है ना आप लोग वहाँ पर अप्लाई कूपन आएगा अप्लाई कूपन में जो है ना एक कोड इंसर्ट कर देना आप लोग यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया जो कि क्या एस यू एन आई एल सुनील बी अप्लाई करो ऑन द स्पॉट आपको हैवी डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा तो देर किस बात की है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ले लीजिएगा इस ऑफर का फ़ायदा थैंक यू सो मच सेशन को लाइक like और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना राधे राधे डियर अपना ख्याल रखना